हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज की क्लास अपनी एक एमसीक्यू सेशन रहेगा। टारगेट रहेंगे किसके, एसजी पीजीआई एग्जाम को लेके, और साथ साथ में टारगेट रहेंगे क्वेश्चंस पीजीआई के लिए भी, क्योंकि पीजीआई का एग्जाम भी नियर बाई है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है। और क्लास शुरू करने से पहले सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है एस जी पी जी आई के लिए। तो हमने करवाई थी अभी 120 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की थी, तो उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स का रिस्पांस रहा और स्टूडेंट्स का भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। तो अभी हम पी जी आई के लिए भी शुरू कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट पी जी आई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। प्राइस उसकी हमने एकदम अफोर्डेबल रेंज में रखी है, ताकि जो हर स्टूडेंट है, जो भी नीडी स्टूडेंट है, वो उसको ईजिली उसको ग्रैब कर सके। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है आज की क्लास का, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, एन अनअट्रैक्टिव मैन सेलेक्ट एक्सपेंसिव स्टाइलिश क्लोथ्स टू ड्रॉ अटेंशन टू हिमसेल्फ। एक अनअट्रैक्टिव मैन है, वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेंसिव और स्टाइलिश क्लोथ्स वहाँ पे खुद के लिए बाय कर रहा है, ठीक है, टू अटेंशन टू हिमसेल्फ, खुद को अटेंशन देने के लिए। द डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम्पलीफाइड, तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल होता है, डिनाइल, डिसोसिएशन, कन्वर्जन या फिर कंपनसेशन। मेन क्या है, अनअट्रैक्टिव है, वो खुद को अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या करता है, एक्सपेंसिव खर्चे करता है, किस पे, अपने क्लोथ्स पे या फिर अपने वियरिंग आइटम्स के ऊपर। तो ये किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, कंपनसेशन है। कंपनसेशन का क्या मीनिंग होता है, कॉन्शियसली कवरिंग अप वीकनेस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे अपन, तो सिंपल लैंग्वेज आप इसको अगर आप समझ जाओगे तो आप एग्जाम के अंदर इसकी अगर कुछ ऑथेंटिक डेफिनेशन भी अगर देंगे तो वहां पे भी आप समझ जाओगे। कंपनसेशन मीन्स क्या होता है, कॉन्शियसली हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम क्या करें, हमारी वीकनेस को छुपाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन। यहाँ पे वीकनेस क्या है इस पर्सन की, कि वो क्या है, अनअट्रैक्टिव है। अब अट्रैक्टिव दिखने के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसिव, यहाँ पे महंगे महंगे क्लोथ्स वगैरह खरीद रहा है खुद के लिए, अटेंशन लेने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का कंपनसेशन हो गया, ठीक है। अभी देखिए ऑप्शन नंबर और ये कैसा होता है, कॉन्शियसली होता है, ठीक है, कॉन्शियसली होता है, अनकॉन्शियसली नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिए ऑप्शन नंबर वन में क्या है, डेनाइल। डेनाइल में क्या होता है, मना कर देना कोई भी चीज के लिए डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मतलब उसको कुछ किसी पे कुछ भी करने के लिए बोलते हैं और वो डायरेक्ट मना कर देता है उसके लिए, तो वो क्या होता है, डेनाइल। तो मतलब क्या हो गया, अनकॉन्शियसली रिफ्यूजल, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अनकॉन्शियसली रिफ्यूजल हम इसको बोल देंगे, वो क्या होता है, डेनाइल होता है, ठीक है। अब क्या है, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन का क्या मतलब हो गया, अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली सेपरेशन, फ्रॉम पेनफुल आइडियाज, फीलिंग या फिर अपन कह सकते हैं मेमोरी, ठीक है। डिसोसिएशन, खुद को डिसोसिएट कर लेना उस आइडिया से, उस फीलिंग से, उस मेमोरी से जो क्या कर रही है, उसको कॉज कर रही है, और ये अपन क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अपन समझ सकते हैं कि उसके कुछ पेनफुल आइडियाज वगैरह हो तो उसको अपन क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली सेपरेट कर देते हैं खुद से, ठीक है। खुद से किसी भी चीज को सेपरेट करना क्या होता है, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन। अभी ऑप्शन सी क्या है, कन्वर्जन। तो देखिए कन्वर्जन क्या है, आप सभी को पता है कन्वर्जन क्या होता है। तो कन्वर्जन क्या होता है कि अनकॉन्सियसली एक्सप्रेशन ऑफ साइकिक सिम्टम्स इनटू फिजिकल सिम्टम, ठीक है। तो वो क्या होता है, कन्वर्जन, आपने पढ़ा होगा कन्वर्जन डिसऑर्डर, लाइक जैसे हिस्टीरिया हो गया,
तो हिस्टीरिया के अंदर क्या होता है, पेशेंट ऐसे ऐसा स्टेटमेंट कर देता है कि उसको यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन, उसको ऐसे कंडीशन उसको लाइक उसके फिजिकल सिम्टम वो बताता है, जबकि उसको है तो क्या, हिस्टेरिया है, उसको साइकिक प्रॉब्लम है, तो वो साइकिक प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ फिजिकल सिम्टम वगैरह शो करता है, तो इसको क्या अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, कंपनसेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइनल डिटैचमेंट होना, ठीक है, रेटाइनल का जो लेयर होती है अपनी, अगर वो क्या करती है अपनी जगह से डिटैच हो जाए, ठीक है, ये अपनी जगह से अगर कैसे हो रही है, डिटैच हो रही है बीच बीच में से, तो इसको हम क्या कहते, मतलब किस प्रकार से होती है, मोस्ट कॉमन कॉज है क्या इसका, डायबिटिक मेलिटस में, डिजनरेटिव चेंजेस इन द रेटाइना एंड विट्रस जो फ्लूड वगैरह रहता है उनमें, ब्रेन ट्यूमर्स में, या फिर ट्रोमा में। सभी कंडीशंस के अंदर रेटाइनल डिटैचमेंट देखा जा सकता है, बट यहाँ पे क्या पूछा आपसे, मोस्ट कॉमन किस में होता है। तो देखिए मोस्ट कॉमन किस में होता है, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे क्या होता है, डीजनरेटिव चेंजेज आ जाते हैं अगर किसी रेटिना की लेयर के अंदर ही, या फिर जो एक्सोसोमर विट्रस, जो विट्रस ह्यूमर होता है पीछे, तो विट्रस ह्यूमर के अंदर अगर वो फ्लूड के अंदर, फ्लूड का थिकनेस वगैरह बढ़ जाए, कॉन्सेंट्रेट बढ़ जाए, उसकी गाढ़ा हो जाए, उससे भी क्या है कि रेटाइना डैमेज हो सकती है, ठीक है, डैमेज होकर उसका डिटैचमेंट देखा जा सकता है। फिर साथ साथ में और किस वजह से देखा जा सकता है, एजिंग की वजह से देखा जा सकता है, कैटेरेक्ट सर्जरी की वजह से देखा जा सकता है, ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी से प्रेशर बढ़ेगा आंख में, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे रेटाइनल डिटैचमेंट देखा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय। स्क्रब टाइफस एक डिजीज कंडीशन होती है, तो ये किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाय रिकेट्सिया, प्रोवाज्की, ओरिंटिया, टूसू गाम्बुशी, रिकेट्सिया टाइफी, या फिर रिकेट्सिया अकारी, किसकी वजह से क्या होता है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस किसकी वजह से होता है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओरिंटिया टुशु गाम्बुशी, ठीक है, टुशु गाम्बुशी की वजह से क्या होता है यहाँ पे स्क्रब टाइफस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब स्क्रब टाइफस किस प्रकार की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी, ओरेंटिया टुसुगामुशी, ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है पर्सन को स्क्रब टाइफस। तो देखिए इसके लिए भी क्या होता है, लाइक ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक माइट रेस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, इस माइट का क्या नाम है, ये माइट का नाम एक बार पूछा गया था, तो माइट का नाम है लेप्टो लेप्टोट्रोम्बिडियम, ठीक है, लेप्टोट्रोम्बिडियम एमसीक्यू बना इससे कि स्क्रब टाइफस कौन सी माइट की वजह से कॉज होता है, तो लेप्टोट्रोम्बिडियम, ठीक है, आल्सो नोन इज, इसको दूसरा नाम क्या है, चिगर, ठीक है, आल्सो नोन इज चिगर। अब इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो पर्सन को जो कॉमन साइन सिम्टम है, फीवर आता है, मसल्स में क्या होता है, पेन होता है, जीआई के सिम्टम्स वगैरह आते हैं पेशेंट में, लीवर एंड स्प्लीन की प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट के अंदर, क्या होती है प्रॉब्लम में, एनलार्ज दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर ये ट्रीट नहीं होता है तो क्या कोच कर सकता है, मेनिनजाइटिस कोच कर सकता है एक्सट्रीम केसेस के अंदर, ठीक है, मेनिनजाइटिस कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाएगा इसके, स्क्रब टाइफस की कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाएगा, मेनिनजाइटिस, ठीक है, मेनिनजाइटिस के बाद में दूसरा क्या कर सकता है, लिम्फेडिनोपैथी भी है कोज कर सकता है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस में अपन इसको अंदर क्या लिखेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन हम इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर दे देंगे, प्लस यहाँ पे क्या देंगे पेशेंट को, फ्लूड देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो भी सपोर्टिव मेजर्स अपन कर सकते हैं फीवर के लिए, नर्सिंग केयर दे सकते हैं, जीआई सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो जो भी सपोर्टिव मेजर्स है अपन काम में ले सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी से क्या एमसीक्यू बनता है, रिकेट्सिया टाइफी क्या कोज करवाता है, रिकेट्सिया टाइफी क्या कोज करवाता है, एंडेमिक टाइफिस, एंडेमिक टाइफी, एंडेमिक टाइफी, सेकेंड म्यूरिन टाइफी, ठीक है, अगर
एमसीक्यू आपसे पूछे कि रिकेट्स या टाइफी कोज किसको कोज करता है, तो एक तो एंडेमिक टाइफी और दूसरा म्यूरिन टाइफी को ये कोज करता है। नेक्स्ट रिकेट्स या अकारी, अकारी क्या करता है, पर्सन के अंदर क्या होता है, रिकेट्स या पॉक्स करवाता है, रिकेट्स या पॉक्स कोज बाई रिकेट्स या अकारी, तो इसके अंदर क्या होता है, वही फीवर नोजिया वोमिटिंग तो आएगी साथ साथ में, माइल्जिया भी आएगा और यहाँ पे स्पेशल फीचर क्या रहेगा, फोटोफोबिया। ठीक है, रिकेट्सिया से एक एमसीक्यू बनता जरूर है, तो आप ध्यान में रखना, एम्स एग्जाम भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस का इनहेरिटेंस होता है, सबको पता है जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसका मोड क्या रहता है, एक्स लिंक डिजीज है ये, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, या फिर नॉन मेंडेलियन डिजीज है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल डिजीज है। इसका क्या मतलब हो जाता है ऑटोसोमल डिजीज के, कि पेरेंट्स से ये चिल्ड्रंस के अंदर आती है, बट ऑटोसोमल होने की वजह से मेल्स में भी उतनी ही यहाँ पे होने का चांसेस है उतना फीमेल के अंदर है। ठीक है, फीमेल एंड मेल्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसके अंदर दोनों को, दोनों में से किसी को भी यहाँ पे इक्वल चांसेस के अंदर हो जाता है। अब देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, सबसे पहला एमसीक्यू इससे क्या बना कि ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, अब इसके बाद में इसके अंदर होता क्या है, कौन सा, सभी को बताया कि जेनेटिक होती है, तो जेनेटिक के अंदर ऐसा क्या होता है, तो जेनेटिक में क्या होता है, क्वेश्चन बनता है इससे, अबनॉर्मल जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 7, फर्स्ट एमसीक्यू एंड इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आपसे एक एमसीक्यू पूछे कि कौन सा क्रोमोसोम डिस्टर्ब होता है, तो कौन क्रोमोसोम नंबर 7 डिस्टर्ब होता है, उसके ऊपर क्या आता है, अबनॉर्मल जीन्स उसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अबनॉर्मल जीन्स भी कौन सा, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अबनॉर्मल जीन्स एंड क्रोमोसोम नंबर 7, इसके अंदर क्या होता है, अब क्रोमोसोम के अंदर अबनॉर्मल जीन्स होने की वजह से प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है, प्रोड्यूस CFTR प्रोटीन। ठीक है, एमसीक्यू बनता है इससे भी कि कौन सी प्रोटीन बनती है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्रोमोसोम में, तो CFTR प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इससे क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं हमारे, सबसे पहला हम क्या साइन सिम्टम आता है, माल एब्जॉर्प्शन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, ये मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड की डिसऑर्डर होती है, तो ये ग्लैंड्स क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो ये कौन कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है, सबसे पहले तो ये अफेक्ट करती है रेस्पिरेटरी, जीआई, रिप्रोडक्टिव एंड स्किन। ठीक है, इन चारों सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो हमारे सिम्टम कौन कौन से आएंगे, इन्हीं चारों सिम्टम से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका म्यूकस का जो भी सिक्रेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, वो या तो वो मतलब वो म्यूकस ज़्यादा बनता है, दूसरा जो भी सिक्रेशन होते हैं वो कैसे सिक्रेशन होंगे, थिक सिक्रेशन, लाइक जीआई के अंदर जो भी एंजाइम्स वगैरह, जो भी हार्मोन्स वगैरह बनते हैं या फिर जो भी सिक्रेशन होता है, तो वो सिक्रेशन कैसे होंगे, थिक सिक्रेशन होंगे। रेस्पिरेशन में भी अगर सिक्रेशन म्यूकस का हो रहा है, ठीक है, तो वो म्यूकस का सिक्रेशन कैसा होगा, एक्सेसिव होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की डिसऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए अगर जीआई के अंदर सिक्रेशन हो गया यहाँ पे, तो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या देखने को मिलता है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। क्यों होगा यहाँ पे चेस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर जो लंग्स से जो भी म्यूकस वगैरह रिलीज होता है, तो वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होगा, तो एक तो यहाँ पे म्यूकस के रहने की वजह से इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डिक्रीज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का वो ट्रांसफर है, वो भी यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव की बात करें, तो पर्सन के अंदर जैसे हाइड्रोसील वगैरह की कंडीशन हो जाएगी, लाइक म्यूकस फील हो जाएगा कहाँ पे, टेस्टिस में। ठीक है, तो जो भी टेस्टिकुलर रीजन के अंदर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकती है, इनफर्टिलिटी इन मेल्स। ठीक है, सब इसके बाद में क्या देखने को मिल सकता है, न्यूमोथोरेक्स,
और डायबिटीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जीआई से सिस्टम की बात करें तो मेकोनियम ज़्यादा बनेगा, तो मेकोनियम ईलियस हो जाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। कंजेनाइटल मीन्स बाय बर्थ अगर प्रेजेंट है, क्योंकि जेनेटिक कंडीशन है तो ये बाय बर्थ प्रेजेंट रहेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो यहाँ पे जो मेकोनियम ईलियस की कंडीशन भी बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखिए O2 अगर डिक्रीज हो रही है पर्सन के अंदर, तो उसके आपने पढ़ा होगा कि क्लबिंग हो जाती है फिंगर का, ठीक है, फिंगर क्लबिंग, ठीक है। जब आप कार्डियोलॉजी अपन पढ़ेंगे, तो कार्डियोलॉजी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ फिंगर, एक साइन आता है उसके अंदर, क्या होता है बच्चे के अंदर से साइन देखने को मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक अपीयरेंस, ठीक है, ड्रम स्टिक जैसी अपनी फिंगर हो जाएगी, तो ये क्या हो, डिक्रीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में मेकोनियम इलियस के साथ में और क्या का देखने को मिल सकता है, स्टेटोरिया की कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये तो बात हो गई अपने तीनों सिस्टम की, अब बात करते हैं स्किन की, तो स्किन के अंदर क्या हो जाएगा, साल्टी टेस्ट आना लग जाएगा स्किन के अंदर। क्यों आता है, क्योंकि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, सोडियम एंड जो क्लोरीन का जो लेवल है वो कैसा होता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे साइन सिम्टम है, ये और भी बहुत सारे साइंस सिम्टम है, बट मेनली अपन समझने के लिए ये चारों सिस्टम के अपन ने मोस्ट मोस्ट कुछ साइंस सिम्टम अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोसिस क्या होता है इसका, स्वेट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट अपन करते हैं किसके अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, ठीक है। तो अब स्वेट क्लोराइड टेस्ट अपन करने के लिए अपन करेंगे क्या, इसके लिए अपन एक मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, पाइलोकार्पिन, आयंटोप्रोसिस, प्रोसिस का क्या मतलब हो गया, स्वेटिंग रिलीज कराने वाली। तो इस मेडिसिन को देने से क्या होगा, पर्सन को क्या होगा, स्वेट होगा, ठीक है। फिर मेडिसिन कौन सी ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, तो पाइलोकार्पिन, आयंटोप्रोसिस, प्रोसिस का मतलब क्या होता है, सिक्रेशन होना, स्वेटिंग होना, ठीक है। तो इस मेडिसिन के देने से क्या होगा, पर्सन को स्वेट होगा, स्वेट होगा तो अपन क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद में हम इसके अंदर क्या देखेंगे, सोडियम एंड क्लोराइड का यहाँ पे लेवल अपन कैसा देखेंगे, बढ़ा हुआ देखेंगे, देखने को मिलेगा, ठीक है। 60 mg तक है जो है वो हमें लेवल देखने को मिल सकता है इसके अंदर, और अपन डोज कितनी रखेंगे इसकी, अपन मेडिसिन की 40 mg, ओके। इसके बाद में और क्या क्या टेस्ट अपन कर सकते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं पेशेंट की, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा हमें, म्यूकस फिल्ड कैविटीज यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, स्पूटम कल्चर भी कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्या बनता है, वो बनेगा किससे, हमारी डाइट से, डाइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ एमसीक्यूज बनाती है। तो डाइट इसके अंदर क्या रखेंगे, हाई कैलोरी रखेंगे, हाई प्रोटीन रखेंगे और लेस क्या रखेंगे, फैट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रहा है, पर्सन को स्टेटोरिया हो रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट्स भी अपन दे सकते हैं, ठीक है, जीन थेरेपी कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और यहाँ पे अपनी सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन, डिजीज कंडीशन भी यहाँ पे कंप्लीट होती है, इससे जो भी मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू बनते हैं वो भी अपन ने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट, ठीक है, नेगल्स रूल है वो किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज में किया जाता है। ऑप्शन क्या है, सर्वाइकल डायलेशन, एमनियोटिक फ्लूड, गेस्टेशनल एज, या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेगल्स रूल है वो किसके लिए यूज में किया जाता है, सभी का आंसर करेक्ट होगा इसके अंदर आई थिंक। तो ये होता है किसके लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए, ठीक है। हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निगल्स रूल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो निगल्स रूल क्या कहता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 days माइनस 3 month, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, निगल्स रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो किसी भी फीमेल की, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी हम क्या कर सकते हैं, LMP जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन में अपन क्या करते हैं,
थ्रो वेजाइनली अपन फिंगर इंसर्ट करते हैं, टू फिंगर अपन इंसर्ट करते हैं, तो उसके अपन बाद में सर्वाइकल डायलेशन कर सकते हैं या फिर डिजिटल सर्वाइकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूड को अपन देखने के लिए कितना है क्या है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके से अपन इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, निगल्स रूल को हम पता लगाते हैं, ठीक है। निगल्स रूल से हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। तो आई के कौन से पार्ट से, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आई के कौन से पार्ट कंट्रोल कर रहा है किसको, कि कितनी लाइट को हमें आई के अंदर एंटर करवानी है कि नहीं करवानी है, ठीक है। प्यूपिल, लेंस, ऑप्टिक डिस्क या फिर मैक्यूला लूटिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आईज, ठीक है। अभी क्या है प्यूपिल, क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, अगर कोई ब्राइट लाइट आई, ब्राइट रेज आती है या फिर काफी ज्यादा रोशनी होती है, तो प्यूपिल्स कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिम लाइट के अंदर प्यूपिल्स कैसे हो जाते हैं, डायलेट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, प्यूपिल कंट्रोल करते हैं लाइट रेज को। इसके बाद में क्या है, कॉर्निया, कॉर्निया कैसा होता है, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रंट ऑफ आईज में। फ्रंट ऑफ आईज में क्या प्रेजेंट रहता है हमारा, कॉर्निया प्रेजेंट रहता है। ये भी क्या करता है, फोकस करता है, फोकस ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी क्या करता है, जो भी इनकमिंग लाइट आती है इसको क्या करने का काम करता है, फोकस करने का काम करता है कॉर्निया, ठीक है। लेंस करता है मेनली, बट शुरुआत में सबसे पहले किससे आएगी, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद में लेंस आएगा, तो कॉर्निया भी स्लाइटली इसके अंदर वर्क करता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, आयरिस की। आयरिस, आई का कलर अगर डिफाइन करना है, तो वो आई का कलर किससे डिफाइंड होता है, आयरिस से, ठीक है। क्योंकि आयरिस के अंदर क्या होता है, वो कलर की होती है चेंज, कलर ब्लू कलर, किसी का ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, तो वो आयरिस पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, बिहाइंड द कॉर्निया प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये कैसी होती है, कलर्ड होती है एंड रिंग शेप की होती है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन क्या, लेंस। लेंस से सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर बनता है, तो वो क्या बनता है, लेंस कैसा होता है, एवास्कुलर होता है, ठीक है। लेंस कैसा होता है, एवास्कुलर होता है। नेक्स्ट कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बाद में कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स होता है लेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो अपनी संरचना को, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, बट सिंपल लैंग्वेज अपन पढ़ें तो लेंस कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स। अभी कहाँ प्रेजेंट रहता है, बिहाइंड आयरिस, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, लाइट रिसेप्टर्स। लाइट रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, रॉड एंड कॉन्स। कॉन्स किसके लिए होते हैं, कलरफुल विजन्स के लिए, ठीक है। कलरफुल विजन्स के लिए कौन से आते हैं, कौन सी से, कौन सी से, कलरफुल विजन्स याद रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइट रिसेप्टर होते हैं, लाइट रिसेप्टर होने की वजह से यहाँ पे क्या आता है, एक्जोन्स। एक्जोन्स के कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है, एक्जोन्स प्लस रेटाइनल गैंग्लियोनिक सेल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये आगे जाके क्या कर देती है, इस ये नर्व बना देती है। नर्व किससे कंट्रोल हो जाती है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व का जो कंट्रोलेशन है वो कहाँ पे अपने देखने को मिलता है, ऑप्टिक डिस्क में, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लाइट रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो
ये रेटिना, हमारा रेटाइना है, तो रेटाइना के ऊपर एक क्या प्रेजेंट रहती है, ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट रहती है। तो यहीं से क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व की जो रेटिनल गैंग्लियोनिक जो सेल्स है वो यहाँ से एक्जोन से कंटिन्यू करती है, कब कहाँ तक, और ऑप्टिक नर्व तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इस ऐसा काम होता है हमारा ऑप्टिक डिस्क का। इसके बाद में क्या है, मैक्यूला लूटिया। देखो ल्यूटिया का मतलब होता है येलो कलर, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा ल्यूटियल फेज, ओबीजी के अंदर पढ़ते हैं ल्यूटियल फेज, तो उसके अंदर भी क्या होता है, येलो कलर की हो जाती है वो, जो आफ्टर ओवम सिक्रेशन वो कॉर्पस ल्यूटियम कैसी रहती है, येलो कलर, इसलिए उसको क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम मीन्स येलो कलर, उसका कलर कैसा होता है, येलो। अगर आपको मेडिकल फील्ड में कुछ भी ल्यूटिया वर्ड दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है, येलो। ठीक है, अभी क्या है, मैक्यूला डेंसा। तो मैक्यूला डेंसा क्या होता है, स्मॉल येलोविश एरिया ऑफ द रेटाइना। कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये भी रेटाइना पे प्रेजेंट रहता है, नियर नियर टू द ऑप्टिक डिस्क। हेल्प करता है, हेल्प इन सेंट्रल विजन में, ठीक है, सेंट्रल विजन बनाने में हेल्प करता है, कौन करता है, मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रहने चाहिए हमें, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइट के एंटरिंग करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्यूपिल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल डिफरेंस फैक्टर बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर में, दोनों में आपको डिफरेंस देखना है, बट कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल डिफरेंट, वो क्या है, टिपिकल डिफरेंट नहीं है, जो ऑथेंटिक डिफरेंट नहीं है उसके लिए, इसके लिए बिनाइन एंड मेलिग्नेंट में डिफरेंस करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास में ग्रोथ रेट, एनकैप्सुलेशन, सेल डिफरेंशिएशन, या फिर साइज ऑफ द ट्यूमर। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, साइज ऑफ द ट्यूमर। ठीक है, अगर ट्यूमर के साइज से हम जो है वो डिफरेंट नहीं कर सकते कि ये बिनाइन ट्यूमर है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, ट्यूमर की साइज तो सभी की बढ़ती है क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल ग्रोथ्स वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्यूमर की साइज से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बाकी ग्रोथ रेट से, एनकैप्सुलेशन से और सेल डिफरेंशिएशन से अपन पता लगा सकते हैं। तो अभी अपन सबसे पहले इधर लिख लेते हैं क्या, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो देखिए बिनाइन के अंदर क्या होता है, सबसे पहला सेल नॉट स्प्रेड, स्प्रेड नहीं करती है सेल्स। नेक्स्ट ग्रो स्लो, नेक्स्ट नो इन्वेडेशन ऑफ नियर बाय टिश्यू के अंदर, ये इन्वेड नहीं करती है। नेक्स्ट डोंट मेटास्टेटाइज, मेटास्टेसिस नहीं होता है बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर। नो सीक्रेट्स, हार्मोन्स को ये सीक्रेट नहीं करती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सर्जरी करके इसको ट्रीटमेंट करके हटा सकते हैं, कोई आगे जाके ज़्यादा कुछ एडवांस ट्रीटमेंट करने की इनकी नीड नहीं होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी मैलिग्नेंट की, तो यहाँ पे जो सेल स्प्रेड होती है वो कैसी होती है, फास्ट फास्ट सेल स्प्रेड होती है, और सेल कैसी करती है, स्प्रेड भी होती है और फास्ट भी होती है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेडेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो मेटास्टेसिस भी होता है, हार्मोन्स भी सिक्रेशन करती है, हार्मोन सिक्रेशन करने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है पेशेंट में, मसल्स में फटिक देखने को मिलता है और नोजिया देखने को मिलता है। ठीक है, वीकनेस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर और वेट का लॉस देखने को मिलता है। तो इस साइन को अपन क्या कहते हैं, पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, अगर मेटास्टेसिस जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, ऐसे हार्मोन क्या करते हैं, मसल्स में फटीग लाते हैं, नोजिया वोमिटिंग और वीकनेस वगैरह करवाते हैं, वेट लॉस करवाते हैं, तो ये कौन सा किस प्रकार का सिंड्रोम हो गया पर्सन को, पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो क्या है, इसकी सर्जरी, इसकी एडवांस ट्रीटमेंट इसको लिए नीड करता है, एडवांस ट्रीटमेंट इसके अंदर लगता है, सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी चलानी है। ठीक है, और इम्यूनोथेरेपी भी अपन काम में लेते हैं, डायरेक्ट अपन इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं पेशेंट को,
तो ये कुछ डिफरेंशिएट करने के अपने तरीके हैं जिनसे अपन डिफरेंस कर सकते हैं बिनाइन एंड मेलिग्नेंट को, बट साइज ऑफ द ट्यूमर से हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ग्रोथ रेट क्या होती है, ठीक है। ग्रोथ रेट अभी अपन ने बात कर ही ली कि ये जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होती है किसमें, बिनाइन में, एंड फास्ट होती है किसमें, मेलिग्नेंट में। इसके बाद में एनकैप्सुलेशन, तो देखिए नो एनकैप्सुलेशन, बिनाइन ट्यूमर है वो एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन में प्रेजेंट रहता है, सॉरी एनकैप्सुलेशन यस, और यहाँ पे जो है वो नो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन इसलिए नहीं रहता यहाँ पे क्योंकि ये क्या करता है, मेटास्टेसिस करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो बिनाइन में तो एनकैप्सुलेशन प्रेजेंट रहता है, एक जगह पे रहता है, कैप्सुलेटेड होता है, ये हो गया बिनाइन, और मैलिग्नेंट में यहाँ पे एनकैप्सुलेटेड नहीं रहता है। इसके बाद में आता है क्या, सेल डिफरेंशिएट। सेल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन एक बार पूछी गई है एग्जामिनर के अंदर, तो इसका आंसर क्या होता है, रेट ऑफ सेल डिवीजन, रेट ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसका और अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल डिवीजन को भी अपन क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर बनने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। तो ये स्लो किसमें होता है, बिनाइन में स्लो होता है, फास्ट किसमें होता है, मेलिग्नेंट में। तो इस प्रकार से हम क्या है कि डिफरेंस कर सकते हैं बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। ऑन्कोलॉजी अपन जब पढ़ेंगे तो इसके अपन कुछ क्वेश्चंस ऑन्कोलॉजी में भी सॉल्व करेंगे। ऑन्कोलॉजी का एमसीक्यू आते हैं एम्स के अंदर पूछा जाता है, तो जब एम्स की क्लासेस लेंगे तो हम ऑन्कोलॉजी के एमसीक्यूज भी करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, एगैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कॉज इनएडिक्वेट मोटिलिटी इज टर्म्ड एज। एक डिजीज है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एगैंग्लियोनिक डिजीज हो रही है। एगैंग्लियोनिक मीन्स हमारे इंटेस्टाइन में क्या होती है, गैंग्लियोनिक सेल्स होती है, बट ऐसी कंडीशन जिसके अंदर गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट नहीं है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एगैंग्लियोनिक, ठीक है। कहाँ नहीं है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट मोटिलिटी देखने को मिल रही है किसमें, इंटेस्टाइन में। तो इसको कौन सी डिजीज कहेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, हिस्पंग डिजीज, या फिर डायवर्टिकुलर डिजीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इस टॉपिक्स में से, ठीक है। इसलिए आज डाइजेस्टिव के भी कुछ क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव की इन चारों डिजीज कंडीशन को अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनता है इन चीज़ों से, नर्सिंग केयर से बनता है, या फिर इनसे नॉर्मल एमसीक्यू बन सकता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा, किसके अंदर एगैंग्लियोनिक डिजीज हो सकती है, तो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, हिस्पंग डिजीज, ठीक है। हिस्पंग डिजीज अपन इसको कहते हैं। तो हिस्पंग डिजीज क्या होती है, हिस्पंग डिजीज के बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक कंजेनाइटल डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन में अपन बात समझने में बात करें तो नर्व्स आर मिसिंग फ्रॉम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन के किसी ऐसे पार्ट में नर्व्स का मिसिंग होना, मिसिंग नर्व का नाम क्या होता है, गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, ठीक है। गैंग्लियोनिक नर्व बोल दिया, फिर गैंग्लियोनिक फाइबर का यहाँ पे मिसिंग होना, तो इसको हमने क्या कह दिया, एगैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। एगैंग्लियोनिक यहाँ पे नर्व्स का हो जाना, ठीक है। तो अपने जो इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाना, किसी भी एक स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर नर्व्स का प्रेजेंट नहीं रहना, और नर्व्स कौन सी, गैंग्लियोनिक नर्व है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्पंग डिजीज। सो इंटेस्टाइन कैसी हो जाएगी, मेगा कोलोन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की साइज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इमेज में अपन देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल इंटेस्टाइन है, ठीक है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर सिग्मोइड कोलोन हो गया, ये रेक्टम हो गया, तो यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, एगैंग्लियोनिक सेल्स यहाँ पे, सॉरी गैंग्लियोनिक सेल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, गैंग्लियोनिक नर्व सेल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेक्टम है वो एकदम स्मॉल, सिग्मोइड कोलोन भी स्मॉल एंड इंटेस्टाइन भी यहाँ पे स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये चीजें यहां से स्मॉल हो गई, तो जो भी फीकल मटेरियल है, ठीक है, तो जो भी फीकल मटेरियल है वो कहाँ पे आके भर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जरा आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो
तो यहाँ का जो इंटेस्टाइन, अपन जब इसको एक्सरे वगैरह करवाते हैं, यूएसजी करते हैं, तो यहाँ की जो इंटेस्टाइन है वो कैसे देखने को मिलेगी, लार्ज देखने को मिलेगी। तो इसको हमने क्या कह दिया, मेगा कोलोन डिसऑर्डर, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या कहा, मेगा कोलोन डिसऑर्डर। तो इसके अंदर क्या होता है, क्या एमसीक्यू बनता है, देखिए। फेलियर टू पास मेकोनियम इन फर्स्ट 24 to 48 hours, जो नियोनेट है, न्यूबोर्न है, उसके अंदर क्या होता है, फेलियर टू पास मेकोनियम देखने को मिलता है। क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गैंग्लियोनिक फाइबर ही नहीं है, तो आगे जाके इंटेस्टाइनल मोटिलिटी यहाँ पे नील है एकदम, इसकी वजह से मेकोनियम का पास आउट नहीं देखने को मिलता है। तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इसका, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कैरेक्टर फीचर में क्या देखने को मिलता है, कॉलोन कैसी हो जाएगी, मेगा कॉलोन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा पर्सन में, कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है पर्सन में। अब देखिए वॉमिटिंग भी होती है इस पर्सन को, तो वॉमिटिंग कैसे होगी, ठीक है, कौन से किस प्रकार की वॉमिटिंग होगी, बीलियस वॉमिटिंग, जो बाइल जूस उसके वॉमिटिंग के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, बीलियस वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो हमें देखने को मिलते हैं। अभी इसका अपन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो वॉइडिंग पैटर्न है वो अपन इसका देख समझ सकते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एक्सरे डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। और रिलीफ ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ करवा सकते हैं, उसके बाद में अपन इसका सर्जिकल करेक्शन भी कर सकते हैं। अब देखिए सर्जिकल करेक्शन कौन सा करना है, कौन सा मेथड होता है, इससे एमसीक्यू बनता है। तो ये कौन सा मेथड होता है, डम्बेल पुल थ्रो प्रोसीजर, ठीक है। इसका नाम क्या है, डम्बेल पुल थ्रो प्रोसीजर, ठीक है। तो ये अपन करते हैं किसके अंदर, सर्जिकल करेक्शन कर देते हैं किसकी, हिस्पंग डिजीज की, या फिर जो कॉलोन के अंदर गैंग्लियोनिक फाइबर नहीं है उसको अपन रिमूव आउट कर देते हैं, फिर वहां पे ओस्टोमी बना देते हैं, ठीक है, कोलोस्टोमी वहां पे बना देते हैं। ये हो गई हमारी क्या, हिस्पंग डिजीज यहाँ पे कंप्लीट। अभी बात कर लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, एक अल्सरेटिव एंड इंफ्लामेटरी डिजीज ऑफ लार्ज बोवेल की, ठीक है। सबसे पहले ये कौन सी, स्मॉल बोवेल की डिजीज नहीं है, किसकी डिजीज है, लार्ज बोवेल की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन इंफ्लामेशन होता है, तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेक्स्ट इससे क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट कौन सा पार्ट, रेक्टम को, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट किसको करते हैं, रेक्टम को। रेक्टम को अफेक्ट करने के बाद में ये क्या करती है, स्प्रेड अपवर्ड, ठीक है, स्प्रेड अपवर्ड टू सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन से डिस्टल कोलोन, डिस्टल से ट्रांसफर, ट्रांसफर से प्रोक्सिमल, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका स्प्रेड का जो तरीका रहता है, सबसे पहले किसको अफेक्ट करती है, रेक्टम को। अब इसके बाद में देखिए इसके अंदर और क्या हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किससे बनता है, इसके साइन एंड सिम्टम से। तो साइन एंड सिम्टम से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है, वो क्या है, इसके कार्डिनल साइन के बारे में। कार्डिनल साइन से एमसीक्यू बनता है, कार्डिनल साइन कौन सा होता है इसका, सबसे पहला सीवियर डायरिया, इसके बाद में वाटरी स्टूल यहाँ पे निकलता है, वाटरी स्टूल के साथ में स्टूल कैसा होगा, ब्लडी स्टूल, जो स्टूल के अंदर कैसे देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलता है, पुरुलेंट स्मेल वगैरह यहाँ पे जो देखने को मिलती है, फॉल स्मेल जो है वो यहाँ पे कंडीशन में देखने को मिलती है। ये क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कार्डिनल साइंस के अंदर आते हैं, ठीक है। सीवियर वाटरी डायरिया इसका क्या है, कार्डिनल साइन है विथ ब्लडी स्टूल। और क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, वेट का लॉस होना,
माल नरिश्ड होना, एनोरेक्सिया, बाकी के जो भी सिमिलर सिम्टम्स है वो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली रहते ही हैं। इसके बाद में देखिए इसका अंदर डाइट कौन सी देंगे, ये इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर डाइट क्या देंगे, बहुत बार एमसीक्यू पूछा हुआ है। ठीक है, मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे टाइम पे भी ये एमसीक्यू आया था। तो इसका डाइट क्या रखेंगे अपन, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी एंड लो फैट डाइट इसके अंदर अपन पर्सन को देते हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ फेज होती है, लाइक जैसे एक्यूट फेज, उसके बाद में मेंटेनेंस फेज। तो जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट की फेज होती है एक्यूट फेज, मेंटेनेंस फेज एंड कंटिन्यूस फेज। तो इस फेज के अंदर डाइट रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, बट एमसीक्यू आपसे पूछते हैं इसी के बारे में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर डाइट क्या रखते हैं। एंड अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्या करना, अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, एलर्जेंस रहते हैं। तो हो सकता है किसी पर्सन को जो अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑलरेडी हो ही रखा है, और अगर हमने उसको एलर्जिक फूड वगैरह उसको दिया तो उसकी वजह से उसको डायरिया वगैरह की कंडीशन और ज्यादा बढ़ सकती है। और देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसके अंदर क्या होता है, अल्सर होता है, इसलिए इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा है। तो अल्सर का भी एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को अपन क्या कहते हैं, कॉलर बटन अल्सर। ठीक है, कॉलर के बटन के जैसे यहाँ पे अल्सर होते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इस प्रकार के यहाँ पे अल्सरेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलर बटन अल्सर। अब इसका क्या ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के इसकी ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर अपन क्या दे देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर क्या दे देंगे, सल्फा सल्फाडाइजिन। ठीक है, सल्फाडाइजिन अपन क्या दे देंगे इसके ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर हम काम में लेते हैं। ये हो गया क्या हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस। अभी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं किसको, क्रोन्स डिजीज को। तो क्रोन्स डिजीज क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी क्या है, इंफ्लामेटरी बोवेल डिजीज का टाइप है। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज बोथ आर इंफ्लामेटरी बोवेल डिजीज के टाइप है दोनों। ठीक है, तो इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन होता है किसका, बोवेल का। तो अब ये देखिए ये तो कहाँ पे हुआ, मोस्ट कॉमनली रेक्टम के अंदर हुआ, बट ये जीआई ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसका एक स्पेशलाइज रीजन नहीं है, बट फिर भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन आया था एक बार इसका कि जीआई ट्रैक्ट में भी कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो टर्मिनल इलियम में। ठीक है, टर्मिनल इलियम में यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है। तो टर्मिनल इलियम में होने की वजह से इसके अंदर एक साइन देखने को मिलता है टर्मिनल इलियम में, इस साइन को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग साइन। ठीक है, इस साइन को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग साइन। स्ट्रिंग साइन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे टर्मिनल इलियम के अंदर यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग्स, या फिर अपन बात करते हैं तो कॉन्ट्रेक्शंस वगैरह या फोल्ड्स वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर टर्मिनल इलियम के अंदर कब करते हैं, कब देखने को मिलता है, जब हम क्या करते हैं बेरियम स्टडी करते हैं तब क्या देखने को मिलता है, इलियम रीजन के अंदर स्ट्रिंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे फोल्ड्स देखने को मिलता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग साइन। इसमें होता है ये क्रोन्स डिजीज के अंदर, कहाँ देखने को मिलता है, टर्मिनल इलियम में, ध्यान में रखना, आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसका साइन सिम्टम क्या होता है, कॉल की पेन, पेन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, कब देखने को मिलता है, आफ्टर ईटिंग। ठीक है, आफ्टर ईटिंग जो है वो पर्सन को पेन होता है। ठीक है, इसके बाद में ध्यान में रखना, पूछ लेंगे कई बार, आफ्टर ईटिंग पेन होता है, एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग तो होगी, साथ में वेट का लॉस तो होगा ही, साथ में वोमिटिंग होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सारे कुछ साइन सिम्टम आते हैं सिमिलर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस, जीआई के साइन सिम्टम आप सभी को पता ही होगा। तो ये सब चीजें आती है इसके अंदर। अब इसका ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट से पहले इसका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस को क्या है, इसका कन्फर्मेशन डायग्नोसिस से एमसीक्यू बना हुआ है, आगे भी बन सकता है। तो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, एंडोस्कोपी विथ बायोप्सी। ठीक है, एग्जामिनर पूछे आपसे कि भाई अल्सरेटिव सॉरी कौन सी डिजीज का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, तो क्या है, एंडोस्कोपी विद बायोप्सी इज ए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, फीकल फैट टेस्ट, फीकल फैट टेस्ट कर सकते हैं अपन, जो फीकल मैटर से अपन क्या असेस कर सकते हैं, फैट को असेस कर सकते हैं। तो क्योंकि फीकल मैटर में क्या देखने को मिलता है, फैट देखने को मिलती है, मतलब क्या हो गया,
स्टेटोरिया। तो ये कुछ साइन सिम्टम है जो हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गई हमारी दोनों डिजीज कंडीशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज। अब इसके बाद में देखिए लास्ट ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है आपको, डायवर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, डायवर्टिकुलर डिजीज आपको लास्ट ऑप्शन में देखने को मिलती है। डायवर्टिकुलर डिजीज क्या होती है, शॉर्ट के अंदर बात कर लेते हैं तो आउट पाउचिंग। ठीक है, आउट पाउच का बनना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आउट पाउचिंग का बन जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ बनता है मोस्ट कॉमन, इंटेस्टाइनल आउट पाउचिंग होना कहाँ होती है मोस्ट कॉमन, एमसीक्यू बनता है इससे भी, मोस्ट कॉमन कहाँ होती है, सिग्मोइड कॉलन के अंदर। ठीक है, आउट पाउचिंग बनती है कहाँ बनती है, सिग्मोइड कॉलन के अंदर। लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर, रेक्टल ब्लीडिंग वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज, जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ध्यान में रखना, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्लेम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है आपसे। नीचे देखिए ऑप्शंस है वो किसके हैं, एक्लेम्सिया के हैं एक को छोड़ के, सीजर, माइल्ड फेशियल एडिमा, बीपी अबोव 160/110 mg, या फिर मार्ग प्रोटीन यूरिया। एक्लेम्सिया के अंदर क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो देखिए एक्लेम्सिया होता क्या है, एक्लेम्सिया क्या होता है, सीवियर हाइपरटेंशन होता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, इन विद इन प्रेगनेंसी। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में समझने के लिए अपन बात करते हैं तो प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जेंस, ये क्या होता है एक्लेम्सिया, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या कन्वर्जेंस नहीं आते हैं, बट प्री एक्लेम्सिया के अंदर अगर कन्वर्जन आने लगे तो वो डिजीज कंडीशन क्या बन जाती है, एक्लेम्सिया। ठीक है, एक काफी डेंजरस कंडीशन होती है एक्लेम्सिया, क्योंकि यहाँ पे फिट्स आते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर आते हैं, यहाँ पे दो फिटस के लिए भी काफी डेंजरस कंडीशन बन जाती है अगर सीजर प्रेगनेंसी के अंदर कन्वर्जेंस आए तो। अब देखिए इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो फिस्ट आते हैं पेशेंट को, हेडेक होता है सीवियर, इसके बाद में विजुअल डिस्टरबेंस, ब्लड प्रेशर मोर देन 160/110 mmHg यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है और एडिमा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिकल साइन है, प्लस एडिमा प्लस कन्वर्जेंस, ये सब साइन देखने को मिलते हैं प्री एक्लेम्सिया के अंदर। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रैपिड वेट गेन देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज देखने को मिलेगा, तभी क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो एक्लेम्सिया के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्लेम्सिया के अंदर अगर पेन होगा तो कैसा होता, एपिगेस्टिक यहाँ पे पेन होता है पेशेंट को। ठीक है, एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, एपिगेस्टिक पेन वगैरह कंडीशन देखने को मिलती है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलता है, एपिगेस्टिक पेन या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन की कंडीशन यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब अगर बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्या करवा सकते हो, सीबीसी करवा सकते हो, एलएफटी करवा सकते हो, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि एक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन अपन ने कल पढ़ी थी, ह्यूमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर, एंजाइम प्लेटिलेट, ठीक है, लो प्लेटिलेट। ठीक है, तो ये क्या है, लीवर एंजाइम यहाँ पे बड़े हुए देखने को मिलेंगे, तो अपन क्या करवा देंगे, एलएफटी कराएंगे, यूरिक एसिड लेवल को अपन पता लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है, तो कोई हो सकता है किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करवाएंगे, सीरम क्रिएटिनिन देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के बाद में अपन क्या करेंगे, फिट्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कन्वर्जन आ रही है तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, कन्वर्जन। अगर कन्वर्जेंस अभी नहीं आ रहे हैं बट एक्लेंशिया में आ सकते हैं कभी भी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बीपी कंट्रोल करेंगे। तो अगर कन्वर्जेंस आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रहेगी, कन्वर्जेंस को रहेगी। इसके अंदर अपन क्या देंगे, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, अपन इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एक्लेम्सिया के अंदर कन्वर्जेंस की। ठीक है, अब यहाँ पे एक्यूट फिस्ट आ रहे हैं तो आप क्या दे दो, डायजापाम दे दो एक्यूट फिस्ट के अंदर। ठीक है, मैग्नीशियम अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स कैसा हो जाएगा,
एबसेंट हो जाएगा, इसलिए नर्स का क्या काम है कि डीटीआर को असेस करते रहे, डीप टर्नल रिफ्लेक्स को असेस करते रहे। अगर यहाँ पे असेस नहीं हुआ और टॉक्सिसिटी बढ़ गई तो क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, लास्ट में कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो पर्सन को क्या देना, कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो इसका क्या होता है एंटीडोट होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। साथ में फीटल फीटल मॉनिटरिंग भी होती रहनी चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा अपना, इसका आंसर रहेगा माइल्ड फेशियल एडिमा, क्योंकि यहाँ पे एक्लेम्पसिया के अंदर माइल्ड फेशियल एडिमा नहीं रहता है, क्या रहता है जनरलाइज्ड एडिमा। ठीक है, जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलता है, माइल्ड फेशियल एडिमा नहीं होता है। यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर एडिमेटस हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन असेसिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द 5 ईयर ओल्ड यू वुड फाइंड इट अबनॉर्मल इफ। हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट असेस कर रहे हैं किसका, 5 ईयर ओल्ड बच्चे का। अब हमें क्या चीज मिलेगी तो हम उसको अबनॉर्मल फाइंडिंग में लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, नीडेड टू गो अप ए स्टेयरवे 1 स्टेप एट ए टाइम। उस बच्चे को जब स्टेयरवे करता है, लाइक जो सीढ़ियां चढ़ता है, तो वो एक स्टेप एक बार में एक ही स्टेप ले पाता है, कंटिन्यूसली वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता है। ठीक है, उसको एक बार में एक स्टेप लेने की जरूरत होती है। ठीक है, नीडेड टू गो अप इन स्टेयर 1 स्टेप एट ए टाइम, एक बार में एक ही स्टेप लेने की उसको जरूरत पड़ रही है। ऑप्शन बी क्या है, कुड कैच ए लार्ज रबर बॉल को कैच कर सकता है, कुड स्टैक अप पाइल ऑफ 6 ब्लॉक, 6 ब्लॉक के पाइल्स को वन बाय वन ऊपर रखने की कैपेबिलिटी होती है, कुड जंप ऑन 1 फुट ए फ्यू मिनट, सॉरी फ्यू टाइम्स, एक एक पैर के ऊपर वो जंप कर सकता है। तो इनमें से अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिला है, तो वो क्या एक अबनॉर्मल है 5 साल के बच्चे में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये एक 5 साल के बच्चे का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। 5 साल का बच्चा जो है वो आराम से स्टेयरवे को चढ़ सकता है आराम से। ठीक है, तो देखिए अब फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो 5 साल के बच्चे में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो विजन इसका 20/20 हो जाता है, इसके बाद में बेटर बॉडी कोऑर्डिनेशन, अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स है जैसे हैंड्स फुट लेग्स वगैरह, इन सब का वो बेटर कोऑर्डिनेशन करना सीख जाता है, कैन कॉपी ट्राइंगल, गुड बैलेंस उसका बन सकता है। ठीक है, एंड फर्स्ट एडल्ट टीथ स्टार्ट टू एपियर। ठीक है, 5 to 6 ईयर की एज के अंदर होता है, बट 5 साल के बच्चे में शुरू हो जाता है एडल्ट टीथ का आना। तो ये क्या है, फिजिकल मेच्यूरेशन के साइन होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि उसको कुछ काम, उसको कुछ जरूरत पड़ रही है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ रही है कि एक बार में एक स्टेप लेगा, फिर बार में दूसरा चढ़ेगा, फिर बार में तीसरा चढ़ेगा, तो एक अबनॉर्मल कंडीशन आती है। ठीक है, एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं उसको। अभी अपन बात कर लेते हैं, ये तो हो गया फिजिकल की, अब थोड़ा मोटार भी स्किल देख लेते हैं, मोटार स्किल कहाँ तक पहुंच जाती है। तो सबसे पहले तो इसकी जो वकबलरी होती है उसके अंदर मोर देन 2000 वर्ड्स यहाँ पे जो है वो रहते हैं। ठीक है, मोर देन 5 सेंटेंस को ये बोल सकता है। ठीक है, और मोर, इसके बाद में क्या, काउंट टू 10 to 20 तक ये जो काउंट कर सकता है, कैन आंसर वाई क्वेश्चन, अगर हम बच्चों से कुछ पूछते हैं तो वो उसका आंसर करने की क्षमता रहती है इसके अंदर, एंड हैव गुड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पावर भी उनकी डेवलप होना शुरू हो जाती है 5 साल के बच्चों को। ठीक है, पहले भी हो जाती है, बट यहाँ पे गुड इमेजिनेशन, अच्छी इमेजिनेशन पावर हो जाती है उसकी। तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, वाइटल स्टेटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वाइटल स्टेटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसके बारे में बात कर रहे हैं, वाइटल स्टेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन सा इंक्लूड नहीं करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, एजुकेशन रेट, या फिर मोरबिडिटी मोर्टेलिटी रेट, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। एक्सेप्ट पूछा आपसे, एक करेक्ट नहीं है इसके अंदर, बट क्वेश्चन के अंदर वही करेक्ट है।
तो देखिए वाइटल स्टेटिक्स होता क्या है, वाइटल स्टेटिक्स क्या है, ए डाटा एंड एनालिटिकल मेथड। ये एक प्रकार का डाटा है, ये और एक या फिर एक प्रकार क्या है, एक एनालिटिकल मेथड है जो किसको डिस्क्राइब करता है, किसको किसका डाटा है, किसका एनालिटिक मेथड है, वाइटल इवेंट्स का। वाइटल इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है, बर्थ रेट हो सकती है, मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी स्टेटिक्स हो सकती है, बट एजुकेशन रेट यहाँ पे वाइटल स्टेटिक्स के अंदर नहीं आता है। ठीक है, एजुकेशन रेट यहाँ पे वाइटल स्टेटिक्स के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इवेंट्स अकर इन कम्युनिटी। ठीक, कम्युनिटी के अंदर जो भी वाइटल इवेंट्स होते हैं तो उनके डाटा और उनको एनालिसिस करने का मेथड क्या है, वाइटल स्टेटिस्टिक्स उनको कहते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, एजुकेशन रेट को हम डिफाइंड नहीं करते हैं। इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज गिव अ लाइक थम एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और हमारी टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है, RNCC का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो आप उसको। और तो उसके लिए आप स्पेशल टेस्ट सीरीज अभी रन करवा रहे हैं हम SGPGI के लिए, जिसके अंदर 120 टेस्ट है। और अभी हम PGI के लिए भी शुरू की है हमने, तो प्राइस हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखी है। तो एक बार आप जरूर RNCC के ऐप पे जाके उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमारी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती है, साथ साथ में नेगेटिव मार्किंग्स को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है उतनी टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।